एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वह एक किसान था। कमला, कब तक ये खेतों में काम करता रहूंगा? कोई ऐसा काम मिले जिससे आराम से पैसे आए तो मजा आ जाए। जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारे घर में कोई कमी थोड़ी है। फिर हरिया नौकर रामू के साथ गेहूं बेचने बाजार के लिए निकल जाता है। शहर जाते समय रास्ते में बहुत घना और डरावना जंगल आता है। अरे भाई रामू, जल्दी जल्दी चलाओ। मैंने सुना है ये एक भूतिया जंगल है, यहाँ के पेड़ों में चुड़ैल रहती हैं। हरिया का नौकर तेज चलने लगता है और उनके तांगे का पहिया गड्ढे में फंस जाता है। गाड़ी टेढ़ी हो जाती है और हरिया नीचे गिर जाता है। हाय अम्मा, गिर गया रे, तेरा बेड़ा गर्क हो रामू, देख के नहीं चला सकता था। फिर हरिया एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और जिस पेड़ के नीचे हरिया बैठा होता है उस पेड़ से चुड़ैल निकल आती है। कौन है जो मेरे पेड़ की जड़ों पर बैठकर इतनी जोर जोर से शोर मचा रहा है और मेरी नींद खराब कर रहा है? अरे मर गया रे, ये तो कितनी डरावनी आवाज है, कौन है कौन है? जैसे ही हरिया पीछे मुड़कर देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे चुड़ैल मैया, आप कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, मैं आपकी नींद नहीं खराब करना चाहता, मैं गिर गया था, मुझे चोट भी लग गई है, देखिए कितना खून निकल रहा है। ये तेरा खून तो बहुत लाल और मीठा लगता है, ला ये मुझे पिला दे, मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा खून तो बहुत कड़वा है, आप इस रामू का खून पी लीजिए, मुझे छोड़ दो चुड़ैल मैया। अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने आपकी कितनी सेवा की और आप मुझे ही मरवाना चाहते हो? अरे थोड़ा सा ही तो पिएगी, वापस जाकर मैं तुझे दो चार बोतलें खून की चढ़वा दूंगा, बस अब ठीक है। अरे नहीं, भागो रे भागो रे, मुझे छोड़ दो, मैं आपको खून ला दूंगा। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चुड़ैल जी, आप मुझे तो खा लोगी, फिर क्या करोगी? यहाँ कोई नहीं आता, सबको पता है ये भूतिया जंगल है। बात तो तू ठीक कर रहा है। ठीक है, तू मुझे रोज एक आदमी ला कर देगा तो मैं तुझे एक आदमी के बदले एक सोने का सिक्का दूंगी। हरिया सोने के सिक्कों की बात सुनकर लालच में आ जाता है। अरे वाह 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 वाह, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। और वह वापस गांव चला जाता है। अजी आप ठीक तो है ना? रामू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये रामू तो मुझे वहीं मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग आया। नहीं जी, वो तो गांव वालों से मदद लेने को आया था ताकि हम सब मिलकर आपको बचाने आ सके। अच्छा ठीक है, जाओ सो जाओ अब। फिर अगली सुबह, अरे अब क्या करूं, उस भूतिया जंगल में मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। अरे हाँ, क्यों ना मैं अपना एक बैल उस चुड़ैल को दे दूं? वैसे भी अब खेती करने की क्या जरूरत है, अब तो हर रोज पैसों की बारिश होगी। नहीं नहीं, सोने के सिक्कों की बारिश। हरिया अपने बैल को लेकर जंगल चला जाता है। चुड़ैल मैया, ओ
मैया, देखो मैं आ गया आपका खाना लेकर। लो पी लो इसका खून और मुझे एक सोने का सिक्का दे दो। आओ हरिया आओ। अरे ये क्या, तुम्हें मैंने इंसान लाने को कहा था, जानवर नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन आपके खौफ के कारण यहाँ कोई नहीं आना चाहता था। आप आज इसी से काम चला लो ना चुड़ैल मैया। ठीक है आज तो काम चला लेती हूँ, लेकिन कल कोई इंसान ही होना चाहिए। फिर चुड़ैल हरिया को सोने का एक सिक्का दे देती है और हरिया उसे अपना बैल देकर वापस गांव आ जाता है। फिर अगले दिन भी हरिया को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर से अपना एक बैल लेकर चला जाता है। अरे मूर्ख आदमी, तुझे समझ नहीं आता, फिर जानवर ले आया। चल जा यहाँ से, आज तुझे कोई सोने का सिक्का नहीं मिलेगा। फिर हरिया उदास होकर घर वापस आ जाता है। अजी सुनते हो, हमारे दो बैल कहाँ गए, एक ही बचा है। हाँ उनको आज खेतों में ही बांध आया। अगली सुबह, मालकिन मालिक कहाँ है, दो दिनों से खेत पर नहीं आए। क्या, लेकिन ये तो कल ही अपनी दोनों बैलों को लेकर खेत गए थे, कुछ तो गड़बड़ है। फिर रामू और कमला हरिया का पीछा करते हैं और जंगल पहुंच जाते हैं। ओ चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी, आ गए तुम, कहाँ है मेरा शिकार। आप शिकार को छोड़िए, आज तो मैं आपके लिए सीधा खून ही ले आया। अरे वाह, आज तो बिना मेहनत के ही खून पी जाऊंगी। ये तरकीब तो काम कर गई, रोज एक बोतल खून खरीद कर इसे पिला दूंगा। फिर चुड़ैल बोतल से खून पीने लगती है। अरे छी, ये कैसा खून है, ये तो एकदम ठंडा है, मुझे ताजा गर्म खून चाहिए। अरे चुड़ैल मैया, इतनी गर्मी है, ठंडा खून ही पी लो, मजा आ जाएगा। चुप कर, तू मुझे बेवकूफ समझता है, पहले अपना बैल ले आया, अब ये बासी खून, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, इधर आ। फिर चुड़ैल हरिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगती है। अरे नहीं मर गया, अरे मुझे कोई सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, मैं अपनी खेती बाड़ी करके ही खुश था। फिर कमला और राजू वहाँ आ जाते हैं। चुड़ैल मेरे पति को छोड़ दे और मुझे खा ले। नहीं चुड़ैल जी, आप मुझे खा लो और मेरे मालिक को छोड़ दो। चिंता मत करो, तुम तीनों को ही खा लूंगी। तभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वह हरिया को चुड़ैल के शिकंजे से कैसे छुड़वाएं। तभी हरिया का बैल वहां आ जाता है और अपने सींग और सिर से मार मार कर उस पेड़ को गिराने लगता है। अरे मूर्ख जानवर, ये क्या कर रहा है, मत कर ऐसा, ये पेड़ गिर गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी, इसकी जड़ों में ही मेरी जान बसी है। फिर वो बैल अपने मालिक को बचाने के लिए जोर जोर से सींग मारकर उस पेड़ को जड़ से गिरा देता है। अरे नहीं, मर गई रे।